हे गाइस, मैं आज आप लोगों को वीडियो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें हम स्लो मोशन, फास्ट एंड स्काइप को कैसे चला सकते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो देर न करते हुए गाइस, हम VN एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो VN को स्टार्ट करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो हम सिंपली प्ले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो हम सिंपली एक वीडियो ले लेते हैं जिसको हमें एडिट करना है। तो हम एक वीडियो ले लेते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा। तो गाइस, हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारी वीडियो ख़राब कहाँ है और अच्छी कहाँ है, तो हम उसको काटेंगे। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया हूँ, तो यहाँ से मैं इसको काट लेता हूँ। तो काटने के लिए गाइस एक कैंची वाली ऑप्शन है, स्लिप स्लिप पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक अलग ही लेयर तैयार हो जाएगी। तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो गाइस, इधर आप किनारे में चले आइएगा तो आपको एक ब्लैंक लेयर मिलेगी, तो इसको भी आपको डिलीट करना है। तो गाइस, अब वीडियो को देखना है कि कहाँ सही है और कहाँ बेकार है। तो गाइस देख लीजिए आप, यहाँ तक तो मेरी वीडियो सही आ रही है, यहाँ से कुछ ज़्यादा ही दूर हो रही है, तो हम इसको भी काट लेते हैं। तो हम काटने के लिए स्विफ्ट वाले फिर से आइकन पर क्लिक करेंगे, तो इसको फिर से डिलीट कर देंगे। तो गाइस देख लीजिए, अब मेरी वीडियो कुछ सही हो रही है। तो गाइस, अब इसको स्लो मोशन करना है, तो स्लो मोशन करने के लिए स्पीड वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस देख लीजिए, इसको ऊपर करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा, और अगर इसको नीचे करेंगे तो ये एकदम स्लो मोशन हो जाएगा। तो गाइस, हमें मीडियम वाला स्लो मोशन चाहिए, ना कि ज़्यादा हाई वाला। तो गाइस, इसको 70 पे के आसपास रखना है। तो गाइस, इसको इसको गाइस हम अपने हिसाब से सेट कर ले रहे हैं, 32 पर रखना है, और इसको हम भी 32 पर रख ले रहे हैं। तो गाइस, इसको हम बराबर रखेंगे, क्योंकि अगर बराबर रखेंगे तो हमारी वीडियो थोड़ा औसम दिखेगी। गाइस देख लीजिए, हमारी वीडियो कुछ स्लो मोशन होती जा रही है। गाइस, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी वीडियो किस तरह की स्लो मोशन बनेगी। तो गाइस, हम ऐसे क्लिक करेंगे और देख लीजिए गाइस, मेरी वीडियो स्लो मोशन तैयार हो गई है। तो गाइस, आप देखते रहिए। गाइस, अब देखना ये है कि हम इसमें स्काई कैसे लाते हैं। स्काई लाने के लिए हम ये प्लस वाले आइकन पर गैलरी में जाकर स्काई PNG ले लेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप सिंपली लेकर इसको ऐड कर लीजिएगा। तो इसको ऐड करके इसको आपको सेट करना है बारीकी से। तो गाइस, इसको मैं अब ऐसे सेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, इसको मैं ऐसे सेट कर ले रहा हूँ और चलाकर देख ले रहा हूँ कि हमारा जो सन है वो बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गाइस, मैं देख ले रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा वीडियो सही नहीं है, तो इसको मैं और थोड़ा साइड कर ले रहा हूँ। तो गाइस, अब मैं फिर से वीडियो देख रहा हूँ, मेरा कुछ अब सही आ रहा है। तो गाइस, इसको मैं सिंपली अब सेट कर ले रहा हूँ। तो गाइस, अब मेरी वीडियो कुछ सही हो रही है। तो गाइस, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी वाली आ गई। तो गाइस देखिए, मेरा आधा शरीर दिख रहा है और आधा शरीर नहीं दिख रहा है। तो गाइस, हम इसको सही करने के लिए सबसे इस पर क्लिक करके मार्क्स पर जाते हैं। मार्क्स पर जाकर लाइनर, मिरर वगैरह सब आइकन आएंगे, जिसमें आपको मिरर पर क्लिक करना है और इसको सिंपली पूरा ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करने पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो गाइस, हमको इसको पूरा ले लेना, ठीक है, ऐसे। तो गाइस, अब इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो दिखा ही नहीं, तो दिखेगा, जरूर दिखेगा। गाइस देखते रहिए, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो गाइस, वीडियो वाले लेयर पर आप क्लिक कीजिएगा और इसकी एक डुप्लीकेट बना लीजिए। इसको डुप्लीकेट बनाने के लिए डबल टैप करके डुप्लीकेट हमारी लेयर तैयार हो गई है। तो गाइस देख लीजिए, आपको इधर किनारे में आ जाना है, एक फॉरवर्ड का सबसे किनारे में ऑप्शन मिलेगा,
उसको आप क्लिक कर लेना है। आप उसको क्लिक करते ही आपको एक और लेयर तैयार हो जाएगी जो स्काई वाली है। तो गाइस अब चला कर देख लीजिए, हमारी वीडियो ब्लैंक है और इसको हम क्लिक करके इसको उठा करके हम एकदम ऊपर वाले आइकन के पास ले जाकर छोड़ देते हैं। ठीक है गाइस, तो आप गाइस ये वाली जो ब्लैंक वीडियो है आप सोच रहे होंगे इसे क्या मतलब है, तो गाइस इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इसके हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो गाइस देख लीजिए हमारी वीडियो कुछ इस तरह से चल रही है। तो गाइस अब आपको इसको ऐसे सेट करना है बराबर करके, तो गाइस इसको मैं ऐसे सेट कर ले रहा हूँ। और गाइस अब चलाकर देख लेना हमारी वीडियो कैसे दिख रही है। तो गाइस अभी आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी और भी बाकी हैं। तो गाइस देख लीजिए हमारी वीडियो कुछ सही जा रही है, कुछ ही मिनट में हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अब हमें इस पर क्लिक करके क्रोमा ऑप्शन पर आ जाना है। क्रोमा ऑप्शन आपको कॉर्नर में मिलेगा, आपको इंटेंसिटी को अपने हिसाब से कम कर लेना, ज़्यादा कर लेना। ठीक है, तो आप सबसे पहले इधर आ जाइएगा, यहाँ इसको क्लिक करके आपको जहाँ सही दिखे वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। इसको पहले 50 पर रख दीजिए और इसको देख लीजिए हमारी वीडियो कहाँ से सही आ रही है, कहाँ से सब लगभग मैंने सही वीडियो बनाया है, तो इसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो गाइस देख लीजिए इसको स्पिल को एकदम से 0 कर देंगे। तो गाइस देख लीजिए मैं वीडियो को कुछ सही के हो रहा है मेरी वीडियो, तो इसको मैं चला कर देख ले रहा हूँ। गाइस देख लीजिए हाँ, तुम्हारे सामने अब बन गई हमारी वीडियो। बस अभी गाइस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है गाइस, इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस इसको अब सिंपली हम सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए इस पोर्ट पर जाना होगा और सिंपली हम इसको सही वाले आइकन पर क्लिक करके हमारी गाइस ये डाउनलोड हो रही है। गाइस कुछ टाइम लगेगा। तो गाइस ये मेरी पहली वीडियो थी जो अभी थोड़ा सही जा रही है, बट कुछ ही दिनों में आपकी सहायता से सही से हो जाएगा। तो गाइस हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें सिंपली इसमें इफ़ेक्ट डालना है। तो गाइस इफ़ेक्ट डालने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस इसको सेव करने के लिए सेव टू एल्बम पर क्लिक करके हमारी वीडियो सेव हो चुकी है, हम एकदम बैक आ जाते हैं। तो गाइस हम प्रिक्वल पर क्लिक करके ये एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो गाइस मैं इसको इस साइड को हटा दे रहा हूँ, तो सिंपली मैं ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और वो वीडियो लूँगा जो मैं अभी सेव किया था। तो गाइस मैं उसको ले लिया हूँ अभी और इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस कुछ टाइम लगेगा। तो गाइस देख लीजिए अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो गाइस इफेक्ट को डालने के लिए हम ऑप्टिकल पर आ जाएंगे। ऑप्टिकल पर आने के लिए आपको इसको स्क्रॉल करके देख लेना है। तो सबसे किनारे में हम जाकर ये वाला स्टीलर को क्लिक करेंगे, जिससे हमारे वीडियो में इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो गाइस देख लीजिए ये वाले इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा ही औसम दिख रहा है हमारे वीडियो में। तो गाइस इस पर हम क्लिक करके इसकी सेटिंग को सही कर लेंगे। तो गाइस देख लीजिए इसको इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर लीजिएगा, इसको 40 पर रख लीजिएगा। ठीक है, इससे हमारे वीडियो में कुछ अलग ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्केल पर जाकर इसको हम और भी कम कर लेंगे, इसको हम 48 कर ले रहे हैं। ठीक है, और फिल्टर पर जाकर हम इसकी सिचुएशन को पूरा हाई कर दे रहे हैं, जिसकी इसकी कलर को थोड़ा साइड हो जाएगा। तो गाइस हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और गाइस सिंपली हम इसे सेव करने के लिए इसे नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर ले रहे हैं। तो हमारी गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा,
जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो गाइस ये 100 पोजो को अभी हमारे एल्बम में सेव करने के लिए सेव वाले वीडियो में क्लिक करना होगा, जिससे हमारी वीडियो कुछ ही सेकंडों में सेव हो जाएगी।